नर्सिंग में पढ़ने वाली छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट पहुंची नर्सिंग की छात्राओं ने बताया कि वह स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज की छात्रा है, जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन वह अपना प्रवेश पूर्व में सत्र 2021-22 में प्रवेश लिया था। जिस समय उन्होंने प्रवेश लिया था उसी दौरान वह पूरी प्रवेश फीस प्रथम वर्ष की जमा कर दी थी। उसके बाद 3 साल तक कोई परीक्षा नहीं कराई गई। जब अब परीक्षा की तारीख दी गई तो उसके बाद पुनः पैसे की मांग की जा रही है। आप भी सुनिए नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का क्या आरोप है। सर, मेरा नाम प्रभा कोल है, मैं स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज से आई हूँ। सर, जैसा कि हमारा एडमिशन स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज में 2021-22 में हुआ था, तब इस कॉलेज की मान्यता थी और हमारा 3 साल से कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है और ना ही हमें छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, तो ना ही हमारे एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। तो सर, अब जब हमारा एग्ज़ाम होने की डेट आ गई है, 7 तारीख से 17 तारीख लास्ट डेट है, तो हम लोग गए कॉलेज में, इनरोलमेंट डेट मतलब आ गई, तो सोचे कि जाके हम लोग इनरोलमेंट करवा रहे हैं। तो वहाँ के हमारे मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, टीचर लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग पहले हमारे मतलब कि पूरी फीस पे कर दीजिए। तो सर, हमने फर्स्ट ईयर की पहले पूरी फीस क्लियर कर दी थी, वो हम तो दोबारा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब सर कॉलेज तो बंद हो गई है, तो फालतू में तो कोई पैसा देगा नहीं यूनिवर्सिटी वाले, तो इसीलिए वो हमसे पैसे मांग रहे हैं कि आप पैसे दें हमें, तब जाके हम करवाएं। लेकिन सर, हमारी पहले ही उनसे बात हो गई थी कि हम मतलब हमारा एडमिशन स्कॉलरशिप के बेस में हो रहा है, तब जाके हमने इस कॉलेज में एडमिशन करवाया था। अब हमसे वो हमें वो धमकी दे रहे हैं कि अगर हम 30,000 रुपये अपना नहीं जमा करेंगे तो हमारा वो इनरोलमेंट नहीं करेंगे, फार्म नहीं भरेंगे, हमें पेपर नहीं देने देंगे। किनके द्वारा धमकी दी जा रही है? सर, हमारे टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, विजय सर हैं और डायरेक्टर सर हैं राजू पटेल। कॉलेज का नाम क्या है? स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज। तो ये अभी आप कलेक्टर से मुलाकात हुई है? नो सर, अभी कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई है, बस उन्हीं से मुलाकात करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। सेलेक्टेड आने का उद्देश्य ये था कि पैरामेडिकल स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज है जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और शैक्षणिक संस्था उपलब्ध है, जिसमें से सभी छात्र ये जो आए हुए हैं ये पढ़ रहे हैं। छात्रा उसकी जो कॉलेज है स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज, उसकी मनमानी इतनी है कि जो छात्र हैं इनकी परीक्षा तिथि परिणाम निर्धारित हो चुका है, और परीक्षा तिथि जब निर्धारित हो रही है तो वो परीक्षा शुल्क बाकी है, ऐसा कुछ समस्या बता रहे हैं। जिसमें से छात्रों ने बताया कि वर्षीय पाठ्यक्रम की जो फीस होती है वो हमने पूर्णतः सबमिट कर दी है, जबकि कॉलेज प्रबंधन इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहा है। बशर्ते यह है कि स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज में शिक्षा स्तर जो था वो बेस्ट अच्छा नहीं था, जिन परिस्थितियों पे वहाँ की वरीयता को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए वो ये छात्रों से, जिन छात्रों का 2021 और 22 में प्रवेश निर्धारित हुआ था वो उनसे अवैध वसूली करके महाविद्यालय की जो बचत शुल्क है उस पर इन बच्चों के ऊपर धमकी के माध्यम से और तमाम अलग अलग कह रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देने देंगे, हम नामांकन शुल्क लेंगे तब आप परीक्षा के लिए पात्र हो पाओगे, इस प्रकार की समस्याएं देखिए छात्रों के साथ आ रही है, छात्राओं के साथ आ रही। जिस प्रकार हम छात्रों के न्याय हित में काम कर रहे हैं, हम छात्रों के हित के लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, इन छात्रों में किसी भी प्रकार के इनके भविष्य को खतरा नहीं होने देंगे, वो चाहे स्वास्तिक पैरामेडिकल कॉलेज हो या अन्य कोई भी पैरामेडिकल कॉलेज हो, जो छात्रों के हित में काम नहीं करेंगी उन संस्थानों को हम बंद कराने का भरसक प्रयास करेंगे, और वो संस्थान जो हमारे छात्रों के हित के लिए, जो हमारे अधिकारों को बंद करने का काम करते हैं, उन्हें हम पूर्णतः सड़कों में धरना प्रदर्शन कर देंगे। इन हमारी बहनों को देख लीजिए, ये बहनों का हुजूम आया है, अगर इनके साथ किसी भी प्रकार की अनैतिकता करता महाविद्यालय, मैं शासन प्रशासन और कलेक्टर महोदया के पास इस विषय को लेकर आया हूँ कि इन बच्चों के भविष्य को देख करके महाविद्यालय को निर्देशित करें, वहाँ पर यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों की जांच कमेटी जाए, वहाँ पर जांच कमेटी जा करके उस महाविद्यालय की वरीयता को जांच करे और इन हमारी सभी बहनों को पढ़ने की वरीयता दे और इनको परीक्षा में बैठने की। नाम बता दिए? नाम, मेरा नाम सिद्धू राज है, भीम आर्मी शासन जिला अध्यक्ष। टैलेंट स्कोप,
हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लॉटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 0779-0630-20, 0691-9146-08।